हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी का लेटेस्ट लॉन्च किया गया स्मार्टफोन यानी कि सैमसंग M31s स्मार्टफोन। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी का सैमसंग M31 स्मार्टफोन का सक्सेसर M31s स्मार्टफोन अब फिलहाल इंडियन मोबाइल मार्केट में लॉन्च हो चुका है। और आज इस वीडियो में हम इस सैमसंग M31s स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि इस स्मार्टफोन की क्या क्या स्पेसिफिकेशन होने वाली है, कंपनी ने किस प्राइस पर इस स्मार्टफोन को इंडियन मोबाइल मार्केट में लॉन्च किया और इस स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ हो तो कमेंट कीजिए और आप हमारा यूट्यूब चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको इस स्मार्टफोन को बॉक्स ओपन करने से पहले ही बता दें कि इस स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और उसके बाद हम यह स्मार्टफोन का बॉक्स ओपन करके आपको इस सैमसंग M31s स्मार्टफोन का फर्स्ट लुक ओवरऑल लुक बता देंगे। लेकिन उससे पहले इस स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है वह जान लीजिए। इस स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें इस स्मार्टफोन का बैक कवर देखने को मिल रहा है जो है ट्रांसपेरेंट कलर में। और वहीं दूसरी ओर इस स्मार्टफोन में हमें कुछ यूज़र मैनुअल गाइड्स भी देखने को मिल रहे हैं और साथ में इस स्मार्टफोन में हमें USB टाइप सी केबल भी देखने को मिल रही है और इसके साथ ही 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडैप्टर भी इस स्मार्टफोन के बॉक्स में ही हमें देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, चलिए इस स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि सैमसंग M31s स्मार्टफोन के बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है और इसके साथ ही सैमसंग M31s स्मार्टफोन में हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही है। सबसे पहले दोस्तों, इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.5 इंच की SAMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रही है जो इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। और इसके साथ ही इस स्मार्टफोन में डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए स्मार्टफोन कंपनी ने गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया हुआ है। वैसे दोस्तों, इस स्मार्टफोन में हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को तो मिल रही है लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिल रहा। इस स्मार्टफोन में हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। और अब वहीं इस स्मार्टफोन के रियर साइड की बात करें तो सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी ने इस स्मार्टफोन के रियर साइड में वैसे ही बैक दी है जैसे सैमसंग M31 स्मार्टफोन में थी, यानी कि इस स्मार्टफोन के रियर साइड में भी हमें प्लास्टिक बैक देखने को मिल रही है। और अब दोस्तों, इस स्मार्टफोन के कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी ने अपने इस सैमसंग स्मार्टफोन में क्वाड रियर कैमराज प्रोवाइड किए हुए हैं जिसमें हमें 64 मेगापिक्सल का मेन रियर कैमरा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही सेकेंडरी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का जो है अल्ट्रा वाइड एंगल के लिए। और इसके साथ ही इस स्मार्टफोन का थर्ड कैमरा है 5 मेगापिक्सल का जो है डेप्थ सेंसिंग के लिए। और इसके साथ ही इस स्मार्टफोन का फोर्थ कैमरा है 5 मेगापिक्सल का जो है माइक्रो लेंस के साथ है। और अब इस स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो इस स्मार्टफोन में भी हमें 32 मेगापिक्सल की फ्रंट सेल्फी कैमरा देखने को मिल रही है। और अब दोस्तों, इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग के इस स्मार्टफोन में हमें सैमसंग का ही प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, यानी कि सैमसंग एक्जोनस 9611 पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। वैसे दोस्तों, आपको यह स्मार्टफोन का यह प्रोसेसर अच्छा लगा या फिर एवरेज ही लगा यह कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, इस स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो सैमसंग ने अपने इस स्मार्टफोन के साथ ही इस स्मार्टफोन की बैटरी को भी हाईलाइट कर दिया था पहले ही, लेकिन अब हम कन्फर्म बता देते हैं कि आपको इस स्मार्टफोन में कितने mAh की बिग कैपेसिटी वाली बैटरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सैमसंग M31s स्मार्टफोन में हमें 6000 mAh की बिग कैपेसिटी वाली बैटरी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही इस स्मार्टफोन को फास्ट चार्जिंग के लिए कंपनी ने इस स्मार्टफोन के बॉक्स में ही 25 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडैप्टर प्रोवाइड किया हुआ है जिससे कि हम यह स्मार्टफोन जल्दी से जल्दी चार्ज हो सके। वैसे दोस्तों, यह स्मार्टफोन की प्राइस अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं हुई है। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उससे पहले यह स्मार्टफोन की प्राइस वैसे ही बता दें कि यह स्मार्टफोन 2 वेरियंट्स में अवेलेबल होने वाला है। फर्स्ट है 6GB RAM प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट और सेकंड है 8GB RAM प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट। और इस स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट स्टार्टिंग प्राइस 20,000 रुपये के नीचे ही रहने वाली है। दोस्तों, यह थी सैमसंग गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन की कन्फर्म अनबॉक्सिंग वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपके मन में कुछ सुझाव हो तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो
अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कुछ सुझाव हो तो कॉमेंट कीजिए, आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों। हेलो दोस्तों, यह है सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी का लेटेस्ट लॉन्च किया गया स्मार्टफोन यानी कि सैमसंग M31s स्मार्टफोन। और आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि सैमसंग स्मार्टफोन कंपनी का सैमसंग M31 स्मार्टफोन का सक्सेसर M31s स्मार्टफोन।